सिडनी में खेले जाने वाले चौथे और आखिरी टेस्ट मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया ने अपने 13 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया। इन 13 खिलाड़ियों में ईशांत शर्मा का नाम नहीं है, हालांकि इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। यह सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच है। भारत 2-1 से आगे है। यह टेस्ट ड्रा रहता है और भारत विजय होता है तो ये पहली बार होगा जब भारत वहाँ कोई सीरीज जीतेगा। टीम में आर अश्विन को भी शामिल किया गया है। रविचंद्रन अश्विन की फिटनेस को लेकर सवाल बरकरार है। अश्विन की उपलब्धता पर निर्णय मैच से पहले लिया जाएगा। यदि वे फिट घोषित किए जाते हैं तो रोहित शर्मा की जगह खेलेंगे। यदि अश्विन फिट नहीं होते हैं तो कुलदीप यादव को रोहित की जगह प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। 13 सदस्यीय टीम विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, एच बिहारी, ऋषभ पंत, आर जडेजा, कुलदीप यादव, आर अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव होंगे।